अस्सलामु अलैकुम, इस्मी फायजा मलिक एंड यू आर वाचिंग की पाकिस्तान। कैसे आप सब लोग? और सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद हैं सोहराब बरकत। सोहराब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फायजा। जिंदगी उस मुकाम पे आ खड़ी है जैसे खुद पूछ रही हो, बता तुझे क्या चाहिए है जिंदगी। यार इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक मैसेज देना है और वो मैसेज इनके कहने पर है। एक किताब है फाइव रिग्रेट्स ऑफ डाइंग और ये ब्राउनी ने लिखी है। ब्राउनी ऑस्ट्रेलियन अस्पताल में एक नर्स थी और वहां पर उसका काम था उन लोगों का ख्याल रखना जो लोग जिंदगी के आखिरी आयाम गुजार रहे होते थे, यानी मर रहे होते थे। तो उसने उनके ऊपर रिसर्च करके फाइव पॉइंट्स के ऊपर एक किताब लिखी है कि जो लोग मर रहे थे तो उनके रिग्रेट्स क्या थे, यानी उन्हें दुख किस चीज का था, मसला किस चीज का था। पहला जो रिग्रेट था उसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं कि काश हमने खुद को खुश रहने दिया होता। कैसे? अच्छा ये बात समझने की कोशिश करें कि खुशी कोई एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है। एक किताब है ब्रेन रूल्स, अगर आप उसको समझेंगी, अगर आप उसको पढ़ेंगी तो खुशी इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। यू आर लिविंग इन दिस प्लेनेट अर्थ जहां पर पॉलिटिक्स है, जहां पर टेररिज्म है, जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर मजहब है, जहां पर सोशल इंटरेक्शन है, जहां पर मईशत है, सो जहां पर कैरियर्स हैं, जहां पर एजुकेशन है। तो जब ये इतना सारा कुछ है और इतने सारे फ्लेवर्स हैं तो उन फ्लेवर्स के दरमियान अप्स एंड डाउन यू हैव टू गो थ्रू दैट, इजंट इट? सो व्हाई नॉट टू सेलिब्रेट दैट डाउन्स एंड दैट अप्स। जिंदगी की फायदा सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? क्या? ये एक सी नहीं रही, यानी आज ऐसी है तो कल चेंज हो जाना है, बिल्कुल कल ऐसी है तो परसों चेंज हो जाना है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो मैंने जब शुरू में कहा था कि जिंदगी उस मुकाम पे आ खड़ी है जहां खुद जैसे पूछ रही हो कि बता तुझे क्या चाहिए है जिंदगी, तो क्या हमने जिंदगी को बताया हमें क्या चाहिए? बताया तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता नहीं है ना सोहराब। मिलता है लेकिन असल में हमारा बताने का तरीका ठीक नहीं है। आप तो हमारे नाज़रीन कैसे बताएं? देखिए नाज़रीन का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं पर्सनली कुछ एक चीजें आपको बताता हूँ। एक स्टीव जॉब्स की एक स्पीच आप जरूर सुने, कनेक्टिंग डॉट्स। वो कहते हैं कि आप आज जिस मुकाम पर खड़े हैं असल में ये बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होकर आप यहाँ तक पहुंचे। सही। तो आपने जहां तक जाना है यू हैव टू कनेक्ट वेरी स्मॉल स्मॉल डॉट्स। सही। तो क्या आप वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो? नहीं, शायद नहीं कर रहे, क्योंकि आपने बताया ही नहीं हुआ आपको चाहिए क्या। अगर तो आप क्लियर हो तो डॉट्स विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली। और या तो फिर आप प्लान कर सकते हो, यू कैन स्ट्रेटेजाइज। द बैड पार्ट इज कि यू आर नॉट कनेक्टिंग दैट डॉट्स क्योंकि आपने बताया ही नहीं है कि आपको उससे क्या चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी। और सोहराब जो है वो खुश रहने के लिए आपको बताने कि अपनी लाइफ में जो डॉट्स हैं उनको मैच करें। यार पहली चीज ये समझें कि मैं उन लोगों को खुश रहने के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो सारे ऑलरेडी बड़े खुश हैं, वो ऑलरेडी बड़े खुश हैं। मैं सिर्फ दिस इज माय आइडिया, आई थिंक ऐसे होना चाहिए। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है फायजा, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो राय है वो मिनन आपके ऊपर अप्लाई हो जाए, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और थैंक यू सो मच सोहराब। और नाज़रीन आप भी इससे एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।